अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुत्ता मेरी गल सुन, सुन। चल ठंडा हो गया, निकल यहाँ से। मीका से शादी कर और मेरे घर से निकल, समझ गया? अक्षय, मैं अपने घर में तेरे को देखना नहीं चाहता, निकल यहाँ से। अक्षय क्या कह रहा है? क्या कहा था तूने? अगर तू मेरी जगह पे होता तो क्या करता? अगर तू मेरी बीवी के इर्द गिर्द घूमता तो मैं क्या करता? तुझे पता मैं क्या करता? पहली बात तो मैं अपनी बीवी के इर्द गिर्द तुझे घूमने ही नहीं देता। घूमना तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनी बीवी के पास में भी आने नहीं देता, और मैंने वही किया। किया कि नहीं? How dare you? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अक्षय, हेलो, मैं छोडूंगा नहीं, छोडूंगा, छोडूंगा। अक्षय, क्यों नहीं आपको मैंने कहा था ना उसे समझाने के लिए? आप क्या होंगे? क्यों आप यहाँ जाके उसे पकड़ी है? पता है इसके दिमाग में क्या फितूर चला हुआ है? मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा आदमी है। निरंबीर चला गोली। तेरे अंदर हिम्मत है तो चला। हिम्मत देखनी है तुझे? हिम्मत देखनी है मेरी? हाँ, हिम्मत देखेगा मेरी? चला ना, इतना बोल क्यों रहा है? तेरे हाथ में बंदूक है, पुल द ट्रिगर। तू नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत पता कैसे आती है? हिम्मत तब आती है जब तुम्हारा दिल जो है वो साफ होता है, और तेरा दिल साफ नहीं है। तेरे दिल के अंदर बहुत मैल है, समझा? जब दिल में प्यार होता है ना, तब दिल साफ होता है। और तू अच्छे से जानता है मैं गलत नहीं। तू गलत नहीं है? हाँ, अच्छा, तू गलत नहीं है। अबे तो पूरा का पूरा गलत इंसान है, मन कर रहा है ठोक दूं मैं भी। अक्षय, अक्षय क्या कर रहे हो? अरे ये प्राची का एक हस्बैंड है। क्या हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब इतना शॉक क्यों लग रहे? आई नो सच बाहर आ गया ना? अक्षय, अरे ये तो कुछ नहीं है, आप लोग जानते नहीं है इन लोगों ने कितना कुछ छुपा के रखा है। प्राची, लिसन टू मी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ छुपाया ही नहीं। तुमने सब कुछ साफ कर दिया ना? कर दिया था, तुमने सब कुछ साफ साफ बोल दिया था। प्रॉब्लम तो मुझे सिर्फ इसमें है। कौन खड़ा है सामने, समझ में आ रहा है तुम्हें? पहले तो ना अगर मेरी बात कर रहे हो ना, मैं हूं यहाँ पे, अपनी बात खुद कर सकती हूँ, है ना? I can speak for myself. कैसी बात कर रहे हो तुम? अपने आप को देख रहे हो, सुन रहे हो तुम? तुम दिन ब दिन अनप्रेडिक्टेबल बनते जा रहे हो अक्षय। तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा। तुम देख भी नहीं रहे हो सामने कौन है, कुछ भी बोले जा रहे हो। गुस्सा करना है
शक करना है, चिल्लाना है, हाँ बहुत गुस्सा है करो, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है। इस तरह से नहीं है जो करो ना, ये बहुत गलत है तरीका तुम्हारा, बहुत गलत है अक्षय। और जहाँ तक मेरी और रणबीर की बात है तो मैं नहीं 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 तुम्हें तुम्हें नहीं जरूरत है इसको कुछ भी बोलने के लिए, इसको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम नहीं दे सकती हो, तुम इसको जवाब दे सकती हो, यहाँ पे खड़े हर इंसान को जवाब दे सकती हो, बस नहीं कोई सफाई देने की जरूरत। अरे क्या सफाई देगी, क्योंकि झूठ तो छुपाया गया है ना। मॉम पूछे ना अपने नए बेटे से, रणबीर कोहली से, कौन है ये रणबीर कोहली। इस रणबीर कोहली का क्या रिश्ता है प्राची से, पूछिए ना, पूछिए कि रणबीर कोहली मीका का बॉयफ्रेंड बनके क्यों आया था, इसका क्या मकसद था यहां आने का, पूछिए। अरे आप क्या पूछेगी मॉम, मैं आपको बताता हूं ना किस लिए आया था, क्योंकि ये प्राची के साथ रहना चाहता था। इसके दिल में अभी भी प्राची के लिए इज्जत है, इज्जत है जो होनी भी चाहिए। प्राची भाभी रणबीर के बच्चे की माँ है, द पेरेंट्स, माँ बाप है ये दोनों। प्राची भाभी और रणबीर का रिश्ता चाह के भी नहीं टूट सकता। पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे देख उनको, देख तेरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं ये दोनों, दिखता नहीं है तुझे। क्या हुआ, आप सब ऐसे, सब ठीक तो है ना। अरे आइए ना, आइए आइए, एक सेकंड ना, हमारे मेहमान आए मिल। अरे शांत हो जा अक्षय, मेहमान आए मिलने, प्लीज प्लीज आइए। कैसे हैं आप, आइए आइए। पूरा का पूरा कोहली परिवार टंडन हाउस में, मजा आ गया। एक्चुअली आंटी क्या है ना कि हम लोग कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए। आपसे भी एक सवाल है, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है आंटी कि ना हम एक चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी। हा? कि रणबीर और प्राची शादीशुदा है। पता ही नहीं आपने, आपको लगा नहीं इतनी बड़ी बात हमसे बतानी चाहिए थी, हमसे शेयर करना चाहिए था कि रणबीर और प्राची शादीशुदा है, क्यों नहीं बताया हमें। शादीशुदा है नहीं थे, शादीशुदा थे ये दोनों, अब नहीं है। जस्ट बाय द वे, मुझे ये सब पता था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।